कि अगर किसान नहीं रहेगा तो ये अन्न पानी की बात छोड़ो, घरों में दूध भी नहीं आएगा। थल्ले एक बेवकूफ जनानी ने लिखिया, कोई बात नहीं हम पैकेटों वाला दूध ले लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज रुबीना खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज की रिएक्शन वीडियो में हम बात कर रहे हैं इंडियन फार्मर्स के उस एहतजाज और धरनों पर जो कि कमोबेश 3 महीनों से जारी हैं। इंडिया की गवर्नमेंट ने 3 कवानीन पास किए हैं। ये कवानीन क्या हैं इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ख्याल ये है कि इन इस्लाहात से इंडियन इकोनॉमी ग्लोबल मार्केट से जुड़ जाएगी और दूसरी जानिब इंडियन फार्मर्स को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। उनको अपनी इनकम को बढ़ाने के बहुत से मौके मिलेंगे, जबकि इंडिया का जो किसान है वो ऐसा नहीं समझता, बल्कि वो इन इस्लाहात की पहली ही शर्त पर उनके बहुत से एतराज़ात हैं। उनके मुताबिक अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा इंडिया के जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वो भी किसानों से फसल ख़रीदने के लिए अगर उनको फ्री हैंड मिल जाता है तो ये उनके हक में अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उनका ख्याल यह है कि जो ट्रेडर्स हैं वो उनका इस्तेहसाल करेंगे और किसान ये बिल्कुल नहीं चाहता। किसान चाहता ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे अच्छे दामों पर फसल ख़रीदे और उस वक्त तक वो धरना जारी रखेंगे जब तक के इन इस्लाहात को, इन कवानीन को इंडिया की गवर्नमेंट वापस नहीं लेती। इंडिया की गवर्नमेंट उनको वापस लेती है या नहीं ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल न्यू दिल्ली की 5 बहुत बड़ी शाहराओं को इन किसानों ने मुकम्मल तौर पर फ्रीज़ किया हुआ है, धरना दिया हुआ है। नौजवान, बूढ़े, औरतें सभी इस धरने में मौजूद हैं और उनका ख्याल ये है कि जब तक ये कवानीन वापस नहीं लिए जाते वो घरों को वापस नहीं जाएंगे और उनके घरों को जो ताले लगे हैं वो लगे रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि 3 तरह की वीडियो है। एक तो ये कि धरना किस तरह से जारी हो सा रही है, ये हम देखते हैं कि धरने की सूरत हाल क्या है, गवर्नमेंट उसको किस तरह से धरने को ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, तो ये देखिए। वाटर स्प्रे किया जा रहा है, टीयर गैस फेंकी जा रही है, आप देखें वो तारें, लोहे की तारें रखी गई हैं और लोगों को पुश किया जा रहा है ताकि वो आगे ना बढ़े। गवर्नमेंट वो तमाम तरीके इस्तेमाल कर रही है जिससे इस धरने को नाकाम बनाया जा सके। तो ये वो सूरत हाल थी जो धरनों की हमने देखी और अब देखते हैं कि धरने वाले खुद क्या कर रहे हैं, खा पी कैसे रहे हैं। देखिए ढोल बज रहे हैं, ये जो हरियाणा के ना हमारे भाई वही दे रहे हैं फ्री में। फ्री में दे रहे हैं आपको खाने पीने के लिए। सुबह बना था पकौड़े चल रहे थे, चाय चल रही सुबह थी, उसके साथ बिस्कुट है, रस है। तो अभी कितने दिन और पकाना पड़ेगा ये? ये जिन्हों जल मोर्चा लगे उन्हें चलाएंगे। अच्छा? महीना लग जाए, 10 दिन लग जाए। हाँ, किसी का किसी बात की कोई कमी नहीं है। दोस्त दुश्मन नहीं देखते आपको, किसको खिला रहे हैं आप? ना हिंदू आए, मुस्लिम आए, बिनेशक मोदी सरकार भी आ जाए उसको ही खिलाएंगे हम। जो फोर्स हमें डांगे मारने के लिए खड़ी की है ना इसने, जो हरियाणा से लेकर वहाँ तक। सब्जी में आलू है। हाँ। और गाजर है। हाँ। और ये वो सब्जी जो है उसमें क्या है? वो आलू गोभी है। पूरा माहौल है जी क्रिएट किया हुआ।
जयाल सिंह जी बताइए कि कितने लोगों के लिए गोभी काट रहे हैं आप? हजारों हजारों लोग भी आ जाएंगे ना, खिला देंगे आप? हाँ, नारों नार खिला देंगे। हाँ जी। अच्छा, अपने घर पे भी आप ऐसे काटते हैं सब्जी? हाँ, कभी लोड पे तो काट लेते हैं। ये सवाल बड़ा अच्छा किया कि कभी आप घर पे भी सब्जी काटते हैं, तो कह रहे हैं कभी लोड पे तो काट लेते हैं। सो ये तो सूरत हाल ये है कि धरने वाले सर्वाइव कैसे कर रहे हैं, खाने पीने की उनको चीज़ें कैसे मिल रही हैं। अब आ जाइए धरने की एंटरटेनमेंट की साइड पर। अब एक तकरीर है जो कि बहुत फनी है और ये सुनने के लायक है। एक किसी बंदे ने बहुत सोना कमेंट पाया सी कि अगर किसान नहीं रहेगा तो ये अन्न पानी की बात छोड़ो, घरों में दूध भी नहीं आएगा। थल्ले एक बेवकूफ जनानी ने लिखा, कोई बात नहीं, हम पैकेटों वाला दूध ले लेंगे। ओनू पूछे कोई बेवकूफ नू भी पैकेटां च दूध जेड़ा आंदा है वह अडानी दियां जूआं सूंदियां ने, वो कित्थों आ जाना? इन्नी अकल नहीं हैगी भी दूध तो उत्थों ही आना बेबे, वो तेरे फुफड़ा ने भेजना तो पैकेटां च पैना है। ये पैकेटां दा मीह पैंदा कदों? तू छत तो कट्ठे कर लेगी जाके। अजे तक किसान सिर्फ धरने ते आए या स्ट्राइक ते नहीं आए, गल दा फर्क समझे हो? जिदन जिदा बाबू कर देंदे ना कलम छोड़ हड़ताल, कह देंदे ना काम तो अज असी हड़ताल कर दिती है, जिदन किसान ने हल छोड़ हड़ताल करती ना, जिदन कहिंदा खेतां च नहीं जाना घर बह गए। जे कितें छे महीने घर बह गया ना किसान, इन्हां नूं पुछ लो भी कणक गमलियां च उगा लोगे? फिर बीबियां माली नूं पुछदियां फिरनगियां, ये छोटे गमले में झोना लगा देना, बच्चे चावल मांगते हैं, ये बाटा दिया बेटा सारा बाटा, उसमें थोड़ी मक्की लगा दो बेटा, छलियां खाएंगे, ढाई छलियां नहीं होनी माता ओहदे च। फिर पुत्तो बुढ़े की आवाज आनी इन्हें बेटे, वो बड़े वाले गमले में थोड़ा कमाद भी लगवा लो बेटे, मुझे शुगर हो गई है, मिठे को तो फिर भी दिल करता है ना कभी कभी। वो कमले हो किथे जाओगे यार, कोविड दे वेच लोकां ने कपड़े खरीदने बंद करते, बूट खरीदने बंद करते, ते सिर च तेल नहीं चसाए होने, उदा ही कंघी वाही जांदे होने भी चल तेल मुक्का, पर रोटी तो बिना तो कोई नहीं ना सुत्ता, भावे लंगर चो आई, भावे दान आया, भावे गवांडियां तो आटा मंगिया, रोटी तो खानी पई कि नहीं, कि सर गया सी रोटी खाधे बिना। सो ये अनपढ़ कहिंदे सी अनपढ़, ये असल च असी सानू अनपढ़ कहिंदे, आप अनपाड़ ने, साडा अनपाड़ पाड़ के सानू अनपढ़ दसी जांदे ने, इन्हां नू पता ही नहीं साडे खेतां च आके वेखो डिजिटल फार्मिंग किवें हुंदी है, इन्हां नू आके साडे खेतां च दिखाओ पोली फार्मिंग करदे साडे किसान, फिर पता लगेगा अन इन्हां अनपाड़ां नू पता लग जाएगा अनपढ़ की हुंदे ने। इन्हां अनपढ़ां नू कहो सुते रहन दो, जे अनपढ़ां ने किते उठ के फरदा फरोल लिया दिल्ली के पंजाब दी जमीन च ना निकल आवे। वाकई किसानों को अनपढ़ कहना सही नहीं है, वो अपने काम के माहिर होते हैं और असल में पढ़ा लिखा वही होता है जो अपने अपने कामों का माहिर हो। ये ज्यादती है कि किसानों को किसी भी पढ़े लिखे तबके की तरफ से इस तरह की एक कमेंट पास किए जाए। बहरहाल ये थी एक रिएक्शन वीडियो और किसानों का धरना कब तक जारी रहेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो थम्स अप दीजिएगा, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसको मज़ीद फॉरवर्ड करें, किसी और को भेजें ज़रूर, ताकि आप तक बहुत सी हमारी वीडियोज़ पहुँचें और ये काम आगे बढ़ता रहे। रुबीना खान को फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अपना और सभी का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।